इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज एन इमीडिएट आई डबल एम ई डी आई ए टी ई फैमिली? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट इज एन इमीडिएट फैमिली? आंसर द पीपल पी ई ओ पी एल ई हु लिव विद अस इन आवर होम आर ए पार्ट पी ए आर टी ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली। क्या कह रहा है इस आंसर में कि जो लोग हमारे साथ हमारे घर में हमारे क्या है परिवार का एक हिस्सा है हमारे साथ रह रहे हैं उनको क्या कहते हैं, वो क्या है हमारी इमीडिएट फैमिली है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज एन एक्सटेंडेड ई एक्स टी ई एन डी ई डी फैमिली? क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि व्हाट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली? आंसर एक्सटेंडेड फैमिली कंसिस्ट सी ओ एन एस आई एस टी एस कंसिस्ट ऑफ मोर देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। क्या कह रहा है कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनमें कौन कौन शामिल होते हैं, मोर देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, अधिक से अधिक क्या होते हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर फैमिली वैल्यूज? फैमिली वैल्यूज क्या है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो जो पॉइंट्स थे देखो वो पॉइंट्स, केयर फॉर ईच अदर, क्या कह रहा है कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, बी ट्रूथफुल हमेशा सच्चे बनो, बी रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहो, ऑलवेज ट्राई टू डू व्हाट इज राइट एक्सेट्रा। ये क्या कह रहा है कि हमेशा वो करो वो करने की कोशिश करो जो सही हो, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे लेसन सेकंड के 3 क्वेश्चन थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस ओकेजंस व्हेन यू मीट योर एक्सटेंडेड फैमिली? ये क्या कह रहा है कि हम कब, बहुत सारे अवसर होते हैं जब हम क्या करते हैं हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे मिलते हैं। वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑन वेरियस ओकेजंस लाइक ए वेडिंग डब्ल्यू ई डबल डी आई एन जी बर्थ ऑफ ए चाइल्ड और फेस्टिवल्स। ये क्या कह रहा है कि हम जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो हमसे दूर रहती है उनको पर क्या है हम कब मिलते हैं, बहुत सारे अवसर होते हैं जब मिलते हैं, जैसे किसी की शादी हो या किसी बच्चे का जन्म हो या कोई त्योहार हो। वी रीच आउट टू देम ऑन सैड ओकेजंस लाइक डेथ इन द फैमिली। और क्या कह रहा है ये कि जब
हम क्या है कब पोसते हैं, जो दुख का माहौल होता है, दुख का अवसर होता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, तब भी हम अपने वहां पर फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, ये क्या कह रहा है कि हम अपनी फैमिली से क्या क्या चीजें सीखते हैं। आंसर क्या है, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, ये क्या कह रहा है कि हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कौन कौन सी सीखते हैं, इसमें क्या बताना है कि हम अपनी फैमिली से कौन कौन सी चीजें सीखते हैं। वर्क रेस्पॉन्सिबल और शेयर्ड हो गया सर, हो गया अभी। क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन कि हम अपनी फैमिली के साथ क्या क्या चीजें सीखते हैं। क्या सीखते हैं, वर्क रेस्पॉन्सिबल आर शेयर्ड इन ए फैमिली, जो काम और जिम्मेदारी वो क्या होती है हम अपनी फैमिली के साथ बांटते हैं। द फैमिली मेंबर्स सेट एग्जाम्पल्स, गिव इंस्ट्रक्शंस एंड टीच डिसिप्लिन, और क्या है जो परिवार के लोग हैं वो क्या है हमें निर्देश देते हैं और हमें अनुशासन से रहना सिखाते हैं। ये क्या थे हमारे लेसन 2nd के क्वेश्चन आंसर थे। पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1st था, व्हाट इज एन इमीडिएट फैमिली, आंसर क्या था इसका, द पीपल हु लिव विद अस इन आवर होम आर ए पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2nd था, व्हाट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, 2nd का आंसर क्या था, एक्सटेंडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ मोर देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। क्वेश्चन 3rd हमने क्या पढ़ा, व्हाट आर फैमिली वैल्यूज, आंसर क्या था इसका, केयर फॉर ईच अदर, बी ट्रूथफुल, बी रेस्पॉन्सिबल, ऑलवेज ट्राई टू डू व्हाट इज राइट एक्सेट्रा। इसके बाद क्वेश्चन 4th देखो, क्वेश्चन 4th में क्या बताया, व्हाट आर द वेरियस ओकेजन व्हेन यू मीट योर एक्सटेंडेड फैमिली, इसका आंसर क्या था, वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑन वेरियस ओकेजन लाइक ए वेडिंग, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड और फेस्टिवल्स, वी रीच आउट टू देम ऑन सैड ओकेजन्स लाइक
डेथ इन द फैमिली, इसमें यही बताया गया है कि यह बहुत सारे कारण होते हैं जब हम कहाँ मिलते हैं, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने जाते हैं, वो क्या है, सुख का भी हो सकता है और दुखी का भी हो सकता है, हम खुशी में भी शामिल होते हैं और दुख में भी होते हैं। और क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बताया गया है कि जो हमारी फैमिली है उससे हम क्या क्या सीखते हैं, तो उनसे हम क्या क्या सीखते हैं, हमारी फैमिली से हम बहुत कुछ सीखते हैं, रेस्पॉन्सिबल बनना, और क्या सीखते हैं, एक दूसरे के काम को बांट कर करना। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा लेसन सेकंड है उसके फिल इन द ब्लैंक्स रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक फैमिली कंसिस्ट ऑफ मोर देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो कौन सी फैमिली है जिसमें मोर देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सटेंडेड। सेकंड है, ए ब्लैंक इज द फाउंडेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये क्या कह रहा है, जो परिवार है वो क्या है, मानव इंसान एक परिवार की एक नींव होती है, तो इस ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, फैमिली। थर्ड है, द पीपल हु लिव विद अस इन आवर होम आर ए पार्ट ऑफ आवर ब्लैंक फैमिली। जो लोग हमारे साथ हमारे घर का एक हिस्सा है उसको क्या कहते हैं हम, इमीडिएट फैमिली। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है, फैमिली गैदरिंग ब्रिंग फीलिंग्स ऑफ ब्लैंक। जो परिवार है उससे हमारे बीच क्या बढ़ती है, भावनाएं, एक दूसरे की भावनाओं को हमें क्लोजनेस बढ़ती है, ठीक है। फिफ्थ है, वी शुड स्पेंड ब्लैंक विद आवर फैमिली मेंबर्स। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है कि जो हमारा परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ हमें क्या स्पेंड करना चाहिए, टाइम। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, टाइम। फर्स्ट में आएगा एक्सटेंडेड, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा फैमिली, थर्ड में आएगा इमीडिएट, फोर्थ में आएगा क्लोजनेस और फिफ्थ में आएगा टाइम। आगे है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट देखो, द पीपल हु लिव विद अस इन आवर होम आर ए पार्ट ऑफ आवर। ये क्या कह रहा है, जो लोग फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था ये, हमारे साथ हमारे घर का एक हिस्सा है, पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, ए ऑप्शन है टीम, बी ऑप्शन है फैमिली, सी ऑप्शन है इमीडिएट फैमिली और डी ऑप्शन है एक्सटेंडेड फैमिली। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, इमीडिएट फैमिली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है, व्हाट डू वी शेयर विद आवर फैमिली मेंबर्स। क्या कह रहा है इसमें कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनसे हम क्या शेयर करते हैं। ए ऑप्शन है जॉयस, बी ऑप्शन है सोरो, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी।
और ऑप्शन डी है नाइदर ए नोर बी, तो उस इसमें क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जॉय एंड सोरो, सुख और दुख दोनों ही शेयर करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है विच वन ऑफ दीज इज पास्ड ऑन टू द फैमिली मेंबर्स, क्या कह रहा है ये, जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या है कि कौन सी एक चीज क्या है बांटते हैं, प्रैक्टिसेस वैल्यूज ट्रेडिशन ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ए है प्रैक्टिसेस, बी है वैल्यूज, सी है ट्रेडिशंस और डी है ऑल ऑफ द अबाउ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या है, तीनों ही काम करते हैं, एक दूसरे से परंपरा भी समझ पाते हैं, उनकी वैल्यूज भी समझ पाते हैं। आगे क्या है, ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट है बोथ मैटरनल एंड पैटरनल रिलेटिव्स आर ए पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि जो मैटरनल और पैटरनल पार्ट होता है वो क्या है, एक एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू, क्या आएगा इसमें, ट्रू। सेकंड है वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑन वेरियस ओकेजन्स, ये क्या कह रहा है कि जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य हैं उनसे हम बहुत सारे अवसर होते हैं तब मिलते हैं, इसमें भी क्या आ जाएगा, राइट ट्रू। थर्ड है एवरी फैमिली हैज ए सेट ऑफ वैल्यूज सम ऑफ विच कीप चेंजिंग विद टाइम, ये क्या कह रहा है कि जो हर एक प्रत्येक फैमिली है उसमें क्या है, एक वैल्यूज होती है जो कि क्या है टाइम के अनुसार कुछ कुछ क्या है टाइम के अनुसार चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तो ये भी क्या है, राइट, इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू। क्या किया है आज हमने लेसन सेकंड के, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स, ये चारों चीज की है। अभी हमने क्या करना है, जो ये चारों चीज की है क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में करने हैं।